हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंट्रिक वीडियोस। आज हम बात करेंगे पानी के ऊपर बने हुए भारत के सबसे लंबे ऐसे पांच पुलों के बारे में। इंटरेस्टिंग, तो चलिए देखते हैं। पांचवे नंबर पर आता है वेम्बनाड रेल ब्रिज, जो वेम्बनाड लेक के ऊपर बना हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 4.6 किलोमीटर है। ये 2011 में कंप्लीट हुआ था कोची केरला में। चौथे नंबर पर आता है विक्रमशिला सेतु, ये गंगा के ऊपर बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर है। ये 2001 में कंप्लीट हुआ था भागलपुर बिहार में। तीसरे नंबर पर आता है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो माहिम बे पे बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 5.57 किलोमीटर है, जो 2009 में कंप्लीट हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है महात्मा गांधी सेतु, ये भी गंगा के ऊपर बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 5.75 किलोमीटर है। ये 1982 में कंप्लीट हुआ था पटना बिहार में। अब देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा ब्रिज आता है। पहले नंबर पर आता है धौला सदिया ब्रिज, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के डोला और सदिया इन इलाकों को जोड़ती है। तो देखा आपने, इस प्रकार से डोला सदिया ब्रिज ये भारत में पानी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।